यूएस में एक रेस्टोरेंट है चिपोटले, जहाँ टेक्स मेक्स क्यूजीन मिलता है। वहाँ का बरीटो बोल और बरीटो, ये दोनों काफ़ी फेमस है। मैंने पहली बार बरीटो वहीं ट्राई किया था। दैट वॉज माई फर्स्ट स्टेप इन टू द फ्लेवरफुल वर्ल्ड ऑफ मैक्सिकन क्विजीन। क्या आपको पता है स्पेनिश में बरीटो का मतलब क्या है? लिटिल डोंकी, मतलब एक छोटा सा गधा। मुझे लगता है जब ये नाम इस रेसिपी को दिया गया था तो उसका मतलब हुआ होगा कि एक ऐसी डिश जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक गधा जो बहुत सारी चीज़ें ढोता है। ट्रेडिशनली बरीटो में काफ़ी अलग अलग तरह की चीज़ें डाली जाती हैं, ढेर सारी वेजिटेबल्स, राजमा जैसे ब्लैक बीन्स और मीट जैसे चिकन फिश होता है। गुआकामोले और खट्टा क्रीम भी स्वाद बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। इन सबको मक्के के आटे की एक रोटी बनाते हैं जिसे टॉर्टिया कहते हैं, उसमें रोल करके खाते हैं, जैसे इंडिया का फ्रेंकी लेकिन मैक्सिकन फ्लेवर्स के साथ। पर जब हम बरीटो बोल बनाते हैं उसमें ये टॉर्टिया नहीं होती, सिर्फ होते हैं सारी सब्जियां, किसी टाइप की प्रोटीन, कुछ राजमा, कुछ चटनियां। इसके कई सारे कंपोनेंट्स हैं। हमें वेजिटेबल्स भून लेना है, ब्लैक बीन्स उबाल लेना है, साल्सा बनाना है जो कि टमाटर और प्याज का सलाद ही बोल सकते हैं आप। फिर चिपोटले सॉस बनाएंगे हम स्क्रैच से, वही सॉस यूज़ करके हम बनाएंगे चिपोटले राइस। फिर इन सारे कंपोनेंट्स को असेंबल करना है। आई नो ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, बट बिलीव मी ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं और टेस्ट तो डिलीशियस होने वाला है। इस बरीटो बोल को बनाने के लिए हम लेंगे मनपसंद सब्जियाँ जैसे प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च। यहाँ मैंने पीली वाली शिमला मिर्च ली है, मशरूम्स और जुकीनी। अगर आपके पास इसमें से कोई भी सब्जियाँ नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। आप इसमें मकई के दाने भी यूज़ कर सकते हैं, बस उसे भून लेना अच्छे से। और हमने लिया है एवोकाडो, लहसुन, दो टाइप की सूखी मिर्चियाँ, एक है एंचो चिली और दूसरा है गुआयो चिली, भुना हुआ जीरा पाउडर, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, स्मोक पेपरिका। अगर आपको स्मोक पेपरिका नहीं मिले तो आप लाल मिर्ची पाउडर यूज़ कर लीजिए। और हमने लिया है टैको सीजनिंग जो कि ऑप्शनल है और इसे आप कोई भी बड़े सुपरमार्केट से खरीद सकते हैं, अगर ना मिले तो स्किप कर दीजिए। और मैंने लिया है काली मिर्ची का पाउडर, धनिया पत्ती, तेज पत्ता, सावर क्रीम जो कि फिर से ऑप्शनल है, आप श्रेडेड मोसरेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने यहाँ चीज़ नहीं लिया है। और फाइनली लिया है ब्लैक बीन्स और उबले हुए चावल। इस चावल से हम स्पेनिश राइस बनाएंगे। अगर आपके पास एंचो चिली और गुआयो चिली ना हो तो आप दो या तीन सूखी बेड़गी मिर्ची भी ले सकते हो। एंचो चिली और गुआयो चिली ये दोनों मैक्सिकन मिर्ची के प्रकार हैं। ये मैक्सिकन सॉसेस बनाने में काम आते हैं। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती बट काफ़ी कलर देते हैं सॉस को। तो सबसे पहले हम ये ब्लैक बीन्स की तैयारी कर लेते हैं। मैंने ये ब्लैक बीन्स को धोकर रात भर पानी में भिगो दिया था। अब मैं इसमें पानी, नमक, अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जीरा पाउडर, तेज पत्ता, काली मिर्ची पाउडर, टैको सीजनिंग, स्मोक पेपरिका, लहसुन की कलियां डालकर 5 से 6 विसल्स दूंगी प्रेशर कुकर में मीडियम फ्लेम पर। जैसे ही 6 विसल्स हो जाए गैस बंद करके इसे साइड में रख दीजिए। अब हम धीरे धीरे सारी सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, प्याज, जुकीनी और मशरूम, इन्हें भून लेते हैं अलग अलग से। एक पैन लिया है मैंने मीडियम फ्लेम पर, इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने देते हैं। इन सभी सब्जियों में भूनते वक्त हम अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, स्मोक पेपरिका, टैको सीजनिंग, जीरा पाउडर और नमक डालेंगे। हमें बस सौते ही करना है मीडियम फ्लेम पर, ज़्यादा गलाना नहीं है वेजिटेबल्स को, थोड़े से क्रंची रहने चाहिए सब्जियाँ। एक एक सब्जियाँ भूनते जाएंगे और उन्हें निकालते जाएंगे प्लेट में। तो पहले हमने शिमला मिर्च और प्याज भून लिया था, अब मैं यहाँ पर जुकीनी भून रही हूँ। हमारा जुकीनी भी भूनकर तैयार हो गया है और अब मैं इसे प्लेट में निकाल रही हूँ। अब इसी तरह से हम मशरूम को भी भून लेते हैं। ये जो मशरूम है ना, ये थोड़ा पानी छोड़ेगा तो हम इसके सारे पानी को सुखा देंगे।
अब हम इस मशरूम को भी एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमारे सारे वेजिटेबल्स अब भुनकर तैयार हो गए हैं। अभी हम चिपोटले सॉस बना लेते हैं। इस सॉस को बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में एक टमाटर, आधा प्याज, एक लहसुन और दोनों मैक्सिकन चिलीज, एंचो चिली और ग्वायो चिली डाल दिया है। अगर आपके पास ये दोनों चिलीज ना हो तो आप इनके जगह बैडगी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो। US में ये दोनों मैक्सिकन चिलीज बड़ी आसानी से मिल जाती हैं बड़े बड़े सुपरमार्केट्स में। ये दोनों चिलीज के मैंने बीज निकाल लिए हैं और इन्हें धोकर बर्तन में डाल दिया है। अब हम बर्तन में पानी डाल देंगे और ये सारी चीज़ों को उबालेंगे जब तक टमाटर नरम नहीं हो जाता। और हाँ, अगर आपके पास ये दोनों चिलीज ना हो तो आप बैडगी मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसे छान कर ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करते वक्त हम इसमें डालेंगे अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर, जीरा पाउडर, स्मोक पेपरिका, टैको सीजनिंग और नमक। एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। फिर इसे स्ट्रेन कर लेंगे ताकि टमाटर के छिलके और बीज सॉस में ना रहे। अब हमारा चिपोटले सॉस बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब हम एक सालसा बना लेते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर, धनिया पत्ती और नमक डालकर इसे मिला लिया है। आपका सालसा बनकर एकदम तैयार है। अब चिपोटले सॉस को यूज करके हम स्पैनिश राइस बनाएंगे। एक पैन लीजिए मीडियम हीट पर, उसमें तेल डाल दीजिए। तेल गर्म हो जाए तो उसमें कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। प्याज को अच्छे से भून लेना है थोड़ा सा नमक डालकर। जैसे ही प्याज भुन जाए उसमें थोड़ा सा चिपोटले सॉस डाल देंगे। अब इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर चावल बचे हुए थे, मैंने वही यूज़ किया है। आप इसमें फ्रेश बॉयल चावल भी यूज़ कर सकते हो। अच्छे से मिला लें और धनिया की पत्ती डाल दें। नमक स्वाद अनुसार डाल दें। आपका मैक्सिकन राइस या स्पैनिश राइस बनकर एकदम तैयार है। हमारे सारे कंपोनेंट्स बनकर अब तैयार हैं। अब बस इसे असेंबल ही करना है। यहाँ पर मैंने एक प्लेट में सौटे किए हुए सब्जियाँ डाल दी हैं। बीच में सावर क्रीम रखा हुआ है, सालसा रखा है, स्पैनिश राइस है, ब्लैक बीन्स है, अवोकाडो काट कर रखा हुआ है और साथ में चिपोटले सॉस भी रखा हुआ है। और हमारा बरीतो बोल एकदम तैयार हो गया है। आप इसके ऊपर चीज़ भी डाल सकते हैं। अगर किसी को कुछ ऑप्शन पसंद नहीं है तो आप उसे स्किप भी कर सकते हो। जैसे यहाँ मैंने दो बरीतो बोल्स बनाए हैं, एक जिसमें ब्लैक बीन्स और चीज़ है और दूसरा बरीतो बोल जिसमें बीन्स नहीं डाला है। पर जो भी हो, ये खाने में एकदम मज़ेदार है, टेस्टी है और हेल्दी भी। समय ज़रूर लगता है पर आपको तो पता ही है, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है और इस केस में कहूँ तो टेस्टी होता है। तो एंजॉय कीजिए हमारा वीगन बरीतो बोल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।